क्या आप भी ऐसे ग्राफ्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, जहां आपको डाटा मेंटेन करना पड़ता है और मंथली आपको ये डाटा ग्राफिकल व्यू में प्रेजेंट करना पड़ता है क्लाइंट को या मैनेजमेंट को, लेकिन आप नहीं जानते कि एक्सेल में कैसे बनाएं, कैसे ये कॉम्बो ग्राफ्स प्रेजेंट करें एंड बनाएं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्हीं ग्राफ्स के बारे में कि एक्सेल में हम कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पे। एक्सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज ली हुई हैं। इन वैल्यूज को हम अब ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर सेम वैल्यू मैंने ली है एग्जाम्पल के लिए। खाली एक्सेल में हमें काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्सेल बहुत वाइड रेंज में हमें ऑप्शंस देती है एंड फीचर्स देती है, जिसके थ्रू हम कोई भी डाटा को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एक्यूरेटली प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे टैब्स हैं जहाँ पर जाकर के आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम खाली बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने क्या यहाँ पर मैंने दो तरह के ग्राफ्स लिए हैं जो कि मैं कॉम्बो में बना के दिखाऊंगा आपको कि दो तरह की पैरामीटर्स को कैसे हम सिंगल ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने एक है टू एक्सिस चार्ट, दूसरा है थर्मोमीटर चार्ट। तो सबसे पहले हम इनको, ये हमने कुछ वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पर कुछ रीजन है, ईयर वन ईयर टू करके कुछ हमारा रीजन एंड ईयर का डाटा है, ये सेल्स का फिगर है और ये हमारे प्रॉफिट मार्जिन है कि हमने सेल्स ने इतना बिजनेस किया है और इतना हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब हमें इसको बनाना है कि मैं इसको कॉम्बो में हमें प्रेजेंट करना है जहाँ पर मेरा सेल्स वर्सेस प्रॉफिट शो हो जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ग्राफ्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोर कॉलम चार्ट्स आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ये ग्राफ्स है, यहाँ पाई है, ये लाइनर है, ये सब बहुत सारे ऑप्शन है। अब हम जाएंगे, अगर हमें और भी ऑप्शन देखने तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपको दिखा देगा, यहाँ पर ये प्रीव्यू आपको आ जाएगा कि कैसा ये ग्राफ बनने के बाद आपको दिखने वाला है। ठीक, ये हमारा ही ग्राफ का व्यू दिखा रहा है कि आपको कैसे दिखेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो जिसमें आपको ये ब्लू लाइन से आपको डेट नोट कर सकते हो सेल्स एंड ऑरेंज वाला आपका प्रॉफिट शो कर सकते हो। तो मैं आपको ये भी एक ग्राफ आपको यहाँ पर लाके दिखा देता हूँ कि देखिए ये भी एक व्यू है। आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं और यहाँ पर आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डाटा वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी डाटा वैल्यू दिखा देती है कि क्या क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ डाटा टेबल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये एक ग्राफ हो सकता है, हम इस तरह से भी ग्राफ को दिखा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप, चार्ट के काफी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इस तरह से दिखा सकते हो प्रेजेंटेबल व्यू में। ये एक हमारा जो जो ग्राफिक है, जो चार्ट है, इस तरह से बना सकते हो जिसमें आप दो कलर से डिनोटेट कर सकते हो कि कौन सा मेरा सेल्स का ब्लू वाला सेल्स है और प्रॉफिट मेरा यहाँ शो कर रहा है, कितनी सेल्स के अगेंस्ट कितनी प्रॉफिट मेरा हुआ। इसी तरीके से हम इसको और भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पर ग्राफ में गया, मैं मोर चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कॉम्बो। ठीक है, ये जो ऑप्शन था ये सिंगल था, यहाँ पर कॉलम के थ्रू उसने दोनों को कंबाइन करके दिखा दिया, बट मैं अलग अलग दिखाना चाहता हूँ कि दो अलग अलग ग्राफ्स के जो ऑप्शन के साथ। जैसे सुपोज दैट एक मैं प्रॉफिट को लाइनिंग लाइन में दिखाना चाहता हूँ और सेल्स को कॉलम में। तो फ्रेंड्स क्या करूंगा, मैं कॉम्बो पे क्लिक करूंगा। कॉम्बो पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स को मेरा ये इसमें आ रहा है, मेरा लाइनिंग है ग्राफ में, और प्रॉफिट को मैंने लाइनिंग में ले लिया है। ठीक है, अब मैंने लाइन ले लिया है, यहाँ पर आप और भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसा ही चाहिए आप वैसा ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लाइन ले ली है और ऊपर मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया है। अब जो लाइन है उसको मैं सेकेंडरी सिलेक्ट कर लूंगा ताकि मेरा सेकेंडरी में मुझे लाइन यहाँ पर इस तरह से आपका व्यू बन के आ जाएगा। मैं जैसे इसको ओके करूंगा, अब आप देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर ये बनके के पास आ गया है ग्राफ। फ्रेंड इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप और डाटा कुछ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू ऐड कर सकते हो कि आपकी ये वैल्यू कैसी है, ये कैसे वैल्यू आई है, यहाँ पर लाइक 85%, 50%, 162, ये वैल्यू डोंट। यहाँ पर आप डाटा टेबल भी ऐड कर सकते हैं, ये टेबल आपको काफी हेल्प करेगी ये
कंपेयर करने में कि कौन सा डाटा हम किसके पर क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको आप जाके यहाँ पर फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट जाएंगे यहाँ पर आपको शेप में भी आप इसको जो बाउंड्री है वो आप इसमें ले सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर भी जाएंगे, आपको और भी कुछ कलर चेंज करने हैं आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर आप जो फिल करना है कुछ कलर फिल कर सकते हो, बॉर्डर आपको बनाना है आप बॉर्डर बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से इसको ले भी सकते हो। जैसे अगर मेरा सेल्स का है तो यहाँ पर आपको और कुछ फिल करना है फिल कर सकते हो। जैसे आपको अलग 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 ऑप्शन में आप जाके इसको और भी तरीके से इसको फिल कर सकते हो आप। ये देखिए तो हमें ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अभी कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये मेरा पुराने वाले फॉर्मेट में आ गया। तो एक मेरा ये ऑप्शन भी हमारे पास रहता है, हम इसको इस तरह के ऑप्शंस में भी ले सकते हैं, जिसमें मैं बोलता हूँ टू एक्सिस चार्ट, जिससे मेरे एक ही ग्राफ एक ही वजन को मैं दो दो तरीके से दिखा सकता हूँ। तो ये मेरा एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा मैं बोलता हूँ थर्मामीटर चार्ट, जिसपे मेरा एक ही कॉलम में ओवरलैप होकर दिखाता हूँ कि मेरा लाइक सेल्स कितनी हुई और उसमें से प्रॉफिट कितना रहा खाली मेरा। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम जब इंसर्ट पे जाएंगे, मैं वापस इस पे जाऊंगा, यहाँ पर मैं मोर कॉलम करूंगा, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर वापस कॉम्बो में जाऊंगा। कॉम्बो का मतलब हो जाता है दो ग्राफ एक साथ। यहाँ पर मुझे क्लस्टर लेना है और यहाँ पर भी मैं क्लस्टर ही लूंगा। ठीक है, अब दोनों मैंने क्लस्टर ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको मैंने ओके कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सेंटर किया ये ऑटोमेटिक उसने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन क्यों, मैं इसको एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाया था कि कैसे हम उसको एक थर्मामीटर और प्रेजेंटल व्यू में दिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको ले आया हूँ ग्राफ को। अब हम जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पे आने के बाद सबसे पहले मेरा जो प्राइमरी था ये जो सेल्स है वो मेरा ब्लू है, प्रॉफिट मेरा ये है। अभी मैं सेल्स हमें ब्लू में दिखाना है, प्रॉफिट मुझे ग्रीन में दिखाना है, सेल्स को मैं ब्लैंक में दिखाऊंगा। अभी मैं सेल्स पे जा रहा हूँ, सेल्स मेरा प्राइमरी है तो मैं पहले सेल्स पे क्लिक करूंगा। जैसे सेल्स पे क्लिक करूंगा ये देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे सेल्स पे जाके मैं इसको कर दूंगा नो फिल। ठीक है, बॉर्डर में जाके मैं इसको कर सकता हूँ, सपोज दैट मैं इसको कर रहा हूँ रेड। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये मेरा रेड हो गया। ठीक है, इतना मेरा सेल्स था जिसको मैं बता रहा हूँ कि मेरी कितनी सेल्स मेरी होनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और भी करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा प्राइमरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी पे मेरा कितना ओवरलैप होना। जैसे आप देख रहे आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर मेरा ओवरलैप कुछ नहीं, जैसे मैं सेकेंडरी करूंगा यहाँ पर दो ग्राफ आपको देखिए नहीं दिख रहा आपको दूसरा वाला। तो इसको मुझे ओवरलैप करना है, यहाँ पर कितना सीरीज ओवरलैप करना है इसको, मैं 100% ओवरलैप करना है मेरे को। प्राइमरी को भी मुझे ऐसे ही 100% ओवरलैप करना है। अब मेरा ये ओवरलैप हो गया है तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। जैसे मेरा ये, अब मैं यहाँ पर वापस जाऊंगा यहाँ पर और अब मुझे लेना है प्रॉफिट। अभी मैं सेल्स कर सकता था, अब मुझे प्रॉफिट पे बात करनी है। प्रॉफिट सेलेक्ट करूंगा जो कि मेरा सेकेंडरी था। ठीक, यहाँ पर मैं जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा देखिए यहाँ पर प्रॉफिट सेलेक्ट हो गया है, इसको मैंने सेकेंडरी ले लिया है। अब मैं यहाँ पर जब जा रहा हूँ तो मुझे इसको इसको करना है फील्ड। फील्ड मुझे किससे करना है, ग्रीन से, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है मुझे ग्रीन कलर में नजर आए। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ और भी आपको इसको अगर आपको शो करना है, आप इसको ये कर सकते थे, आप मेरी जो ये ग्रीन लाइन है इसको बढ़ा सकते थे और मेरा प्रॉफिट को कम दिखा सकते थे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर वापस से सेल्स पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी ये मेरा फील्ड रहे और यहाँ पर मेरा नो लाइन रहे। ठीक है, यहाँ पर ये कर सकता हूँ और फिर मैं वापस जाके यहाँ प्रॉफिट में जाके यहाँ पर मैं जाके इसको नो फिल कर सकता हूँ और यहाँ पर जाके मैं सॉलिड में कलर कर सकता हूँ यहाँ पर रेड। तो ये बहुत से ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि अब मेरा सेल्स जो है वो ग्रीन है और जो जो ये मेरा ये वाला पोर्शन है वो मेरा ये है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये वाली लाइन को कलर कलर चेंज करना है, मैं इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ, और भी ऑप्शन मुझे इसमें मिल जाते हैं। तो ये मेरा थर्मामीटर होता है, यहाँ पर जाके आप इस पर डाटा टेबल और लेबल्स इसमें आप ऐड कर सकते हो। देखिए ठीक है, बेटर रहता है डाटा टेबल ऐड कर दो तो उसमें आपको नीचे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो आपका जो कलर नहीं है वो आपका प्रॉफिट है,
और जो सेल्स हुआ है वो आपका ग्रीन है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर मेरा लेस प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट गया है। हम इसको अगर थोड़ा सा और इसको मैं अगर करना चाहूँ तो जैसे मेरा यहाँ पर जो मेरा फिल है ये लिया हुआ है और मैंने बॉर्डर लाइन में इसकी कुछ सॉलिड लाइन ले लेता हूँ, तो इसमें नहीं जाता हूँ मैं, इसको कुछ और कलर लेता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी कलर मैं इसको ले सकता हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसको अपना ले आके पीपीटी में पेस्ट कर सकते हैं, और जिससे आपकी एक प्रेजेंटेबल व्यू प्रेजेंटेशन आपकी बन सकती है। तो फ्रेंड जहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम एक ही ग्राफ को, एक ही डाटा को कैसे हम अलग अलग चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, और जिससे जो मैनेजमेंट या क्लाइंट को आप एक प्रेजेंटेबल व्यू में दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैंने एक वीडियो वर्ड पे भी बना रखी है जो उसको भी ज़रूर देखें, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, ध्यान रखें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर करते रहें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स, टेक केयर।